नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ ब्लॉग्स। हम हैं राम कैलाश यादव। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला हूं, आप जो गाय देख पा रहे हैं, इस गाय को सीमन कराए, एआई कराए, 23 दिन हो गया है और इस तरह का डिस्चार्ज दे रही है मोटा सा। तब ये गर्भवती है या नहीं है, सारी चीज़ें से हम आपको बताया जाएगा। वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक कर दें, ऐसा वीडियो ना पसंद करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आपके मन को सवाल सुझाव है नीचे कमेंट जरूर करें। अगर हम किसान भाइयों बात करते हैं इस गाय का, तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अगर हमारी पशु एआई कराने के बाद या सीमन कराने के बाद मोटा डिस्चार्ज कर रही है, तो एक हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी जो गाय है या भैंस है गर्भ धारण कर लिया है, गर्भवती हो गई है। अगर उसी जगह पर हमारी पशु पानी जैसा डिस्चार्ज दे रही है या फटा फटा दूध जैसा, दही जैसा, मट्ठा जैसा, तब इसे हम एक इन्फेक्शन मान सकते हैं। और मोटा डिस्चार्ज करने पर एक अनुमान होता है कि हाँ, ये गर्भवती हो सकती है। अगर गर्भवती की बात और भी किया जाए तो एक और भी देखने को मिलता है, एआई कराने के या सीमन कराने के 7 दिन या 15 दिन या 21 दिन के अंदर एक और डिस्चार्ज आता है, हल्का पीला मोटा सा डिस्चार्ज रहता है। तो उससे क्या है, एक अनुमान हो जाता है कि गर्भधारण कर लिया है। बाकी बहरहाल ऐसे भी डिस्चार्ज देखे गए हैं कि मोटा डिस्चार्ज है, वाइट डिस्चार्ज है, तो भी पशु गर्भवती हो जाती हैं। लेकिन हम इसे 100% कन्फर्म नहीं कर सकते कि ये गर्भवती ही है। तो ऐसे में गर्भवती होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और भी आपको कई संकेत उसमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि एआई करा दिए हैं तो पशु, अगर ऐसा भी देखने को मिला है कि अगर पशु हमारा गर्भधारण नहीं किया है तो एआई कराने के 21 दिन बाद फिर हिट में आ जाता है, तो समझ लो कि गाभिन नहीं है। हिट में अगर नहीं आ रहा है तो कुछ चांस ज़्यादा हो जाता है। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि 21 दिन बाद अगर दोबारा हिट पे नहीं आई तो हमारी पशु 100% गर्भवती हो गई है, ऐसा भी नहीं है। कितनी ऐसा भी पशु देखने को मिला कि 7 महीना हो गया है पलट गई है, 8 महीना हो गए फिर हिट में आ गई हैं, तो ऐसा भी देखने को मिला है। तो इस गाय को अगर इस तरह का डिस्चार्ज हो रहा है तो हम एक अनुमान लगा सकते हैं या इसे हम एक यूँ समझ सकते हैं कि गर्भधारण कर सकती है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। थैंक यू सर भाइयों वीडियो वॉच करने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करना ना भूलें। अगर आपके भी कोई सवाल है ऐसा है तो आप भी हम अपना वीडियो भेज सकते हैं। वीडियो किस तरह भेजना है, वीडियो जब भेजना है 1.5 से 2 मिनट का वीडियो भेजना है, और साथ ही 2 से 3 फोटो और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा।